जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि 2021 में ट्वेल्थ के बाद हम कौन से कोर्स करें जिनको करने के बाद में हमारा कैरियर सेट हो जाए, जल्द से जल्द हमें जॉब मिले, गवर्नमेंट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की हमें अच्छी सैलरी मिल सके। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ कॉमन कोर्सेज बताने जा रहा हूं जिसके आप चाहे आपने ट्वेल्थ आर्ट साइड से किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस साइड से किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया है, उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। और उन कोर्सेज को करने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेशन, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले कोर्स के बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहला आप 12th के बाद में कौन सा कोर्स करें जिससे कि आपको अच्छी जॉब मिल सके। तो साथियों सबसे पहला कोर्स मैंने लिखा है BCA, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्यों लिखा है कोर्स, सभी को जानते हैं इसको, नॉर्मल कोर्सेज है, BCA सभी लोग जानते हैं। साथियों आज की डेट में आपने देखा होगा जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब किस पे डिपेंड करती है, कंप्यूटर पर डिपेंड करती है। रोज एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और जब से कोरोना वायरस आया है आपने देखा होगा सब सारे प्लेटफॉर्म कैसे हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं। अब ऑनलाइन हो गए हैं तो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म चलते हैं वो किसकी मदद से चलते हैं, कंप्यूटर साइंस की ही देन है। अब कंप्यूटर साइंस की देन है, या तो आप बीटेक करिए, या फिर आप BSc CSE करिए, या फिर आप BCA करिए। अब BCA मैंने आपको क्यों बोला है कि यदि आपने आर्ट साइड से तो आप बीटेक नहीं कर सकते हैं, आप कॉमर्स है तो भी आप बीटेक नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप BCA करिए। और BCA करने के बाद में BCA के साथ साथ आप जो कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो भी आप साथ के साथ करिए। जैसे आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, ऐप डेवलपमेंट में जाना है, तो उनके कोर्सेज आप साथ के साथ कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्द से जल्द जॉब मिले। साथ के साथ आप BCA के साथ साथ आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं जिसका आज की डेट में बहुत ज्यादा स्कोप है। डिजिटल मार्केटिंग से आप यदि अपना खुद का भी बिजनेस करना चाहते हैं BCA करने के बाद में, तो वो भी आप कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप BCA में एडमिशन लें और सिर्फ BCA की पढ़ाई करते रहें उसके बाद में आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप BCA करिए, BCA में आप एडमिशन लीजिए, और उसके साथ साथ आप सर्टिफिकेशन कोर्स जरूर करिए। सर्टिफिकेशन कोर्स का मतलब है कि यदि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है तो आप वेब डेवलपमेंट का करें, यदि आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का करें, यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है तो उसके साथ साथ BCA के साथ साथ आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अवश्य करें। आप बच्चे कहेंगे सर हम डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इंडस्ट्री में जाएंगे, कंपनीज में जाएंगे, तो यदि आपके पास डिग्री नहीं होगी तो फिर वहां पर आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आपको ग्रेजुएट होना भी बहुत जरूरी है, और आपकी फील्ड में हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहली प्रायोरिटी दी है वो किसको दी है, BCA को, क्योंकि BCA कोर्स करिए। आज की डेट में जो आप देख रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, जॉब बहुत है, बहुत वैकेंसीज हैं, लेकिन बस डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है। इसमें भी आप एक फील्ड चूज कर लीजिए, आपको हार्डवेयर में जाना है, नेटवर्किंग में जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, सॉफ्टवेयर में की फील्ड में भी आप अपना वेबसाइट डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग, तो इसमें भी आप अपनी एक फील्ड चूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने BCA को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों दी है। फीस भी इसमें ज्यादा नहीं लगती है, करियर आपका जल्द से जल्द सेट हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर की भी बहुत सारी वैकेंसीज आज की डेट में आती हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो उनको कौन भर सकते हैं, BCA वाले बच्चे फिल कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोर्स है जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो है आपका BBA, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये भी आपका एक 3 साल का डिग्री कोर्स है जिसको आप 12th के बाद में कर सकते हैं। आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से करी है, चाहे वो आपने आर्ट से की है, साइंस से की है, कॉमर्स से की है, किसी भी स्ट्रीम से की है, आप BBA कर सकते हैं। यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपको बोलना अच्छा लगता है, एज ए टीम लीडर वर्क करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं। BBA आपका 3 साल का डिग्री कोर्स है, इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। जैसे गवर्नमेंट में हम यदि बैंक की बात करें, बैंक मैनेजर की, तो बैंक मैनेजर के लिए क्या होना चाहिए, MBA होना चाहिए। तो यदि आपने MBA किया है तभी आप वहां पर बैंक मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, BBA करिए, BBA के बाद में फिर आप MBA कीजिए। MBA आप BA के बाद भी कर सकते हैं, BCOM के बाद भी कर सकते हैं, MBA आप ग्रेजुएट के किसी भी कोर्स के बाद कर सकते हैं, लेकिन यदि आप BBA के बाद MBA करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट फिट रहता है और आपकी एक अलग वैल्यू रहती है, क्योंकि आप जो MBA में पढ़ते हैं वो लगभग आपको उसके जो जूनियर कोर्सेज हैं वो हमें पढ़ा दिए जाते हैं, किसमें, BBA में पढ़ा दिए जाते हैं। और BBA के बाद में आप डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं, काफी सारी वैकेंसी इसमें निकलती है, प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनी है उनमें आप जॉब कर सकते हैं। BBA के बाद में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, तो आप BBA कर सकते हैं, 2021 में काफी अच्छा कोर्स माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है
कि यदि आपको कानूनी पढ़ाई करनी है, यानी कि आपको कानूनी पढ़ाई करनी है या जज बनना है, आपका एम थोड़ा सा बड़ा है, आपको जज बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। तो एलएलबी आप क्या करेंगे, या तो बीए करके करेंगे या बीबीए करके करेंगे या आप बीसीए करके या बीकॉम करके। तो आप उसमें क्या होगा, आपका 3 साल का आप ग्रेजुएशन करेंगे, 3 साल फिर आपको फिर लगने वाली है। तो आप अपना टारगेट अभी से बना लीजिए, कब से, जब आपने 12th किया है तभी से आप अपना टारगेट बना लीजिए कि मुझे लॉ की पढ़ाई करनी है। लॉ की पढ़ाई करनी है तो फिर आप कीजिए बीए एलएलबी कीजिए, बीकॉम एलएलबी कीजिए, बीबीए एलएलबी, बीसीए एलएलबी, जो भी आपको करना है। तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स करिए, जिससे कि आपका टाइम भी कम लगेगा और साथ के साथ जब आप बीकॉम एलएलबी करेंगे या बीए एलएलबी करेंगे तो तभी से आपके क्या होंगे, लॉ के कोर्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे, यानी कि लॉ के सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए जाएंगे जब आप फर्स्ट ईयर से ही होंगे। तो उसमें होगा क्या, आपको एक तो आपकी जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। जैसे आपने बी एलएलबी किया तो बीए की डिग्री मिल जाएगी आपको 3 साल बाद, और उसके 2 साल बाद आपको मिल जाएगी एलएलबी की डिग्री। तो आपका वहां पर डबल बेनिफिट होगा, क्या, एक तो आपका टाइम कम लगा, दूसरा आपको जब आप 5 साल किसी चीज को पढ़ेंगे, यानी कि 5 साल आपने लॉ पढ़ा है, तो यदि आप पीसीएसजे के लिए जाते हैं, यानी कि जज बनने के लिए जाते हैं या गवर्नमेंट वकील बनने के लिए जाते हैं, या आप अपना एज अ चैंबर भी खोलना चाहते हैं, तो वो सब सारी चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। यदि आप अच्छे से अपना टाइम शेड्यूल बना के पढ़ाई कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जज के लिए भी पीसीएसजे का एग्जाम भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो यानी कि आप लॉ के लिए पढ़ाई करनी है तो लॉ के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी या बीसीए एलएलबी या बीएससी एलएलबी भी आप कर सकते हैं। इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर में बहुत वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत वैकेंसी निकलती है, स्कोप काफी अच्छा है आज की डेट में, क्योंकि जितनी भी कंपनी है सभी में आपका लीगल एडवाइजर की जरूरत होती है, कंपनी में, बैंक में, सभी जगह लीगल एडवाइजर की आवश्यकता होती है। तो आप जो हमारा लॉ है वो बहुत ही आज की डेट में पॉपुलर कोर्स है, ग्रेजुएशन करने के बाद में मैक्सिमम लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट कोर्स आता है आपका, यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आप टीचर बनना चाहते हैं, पढ़ाई यानी कि आपको टीचिंग अच्छी लगती है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, यानी कि बीए प्लस बीएड कर सकते हैं, बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं, बीकॉम प्लस बीएड कर सकते हैं, बिल्कुल लॉ की तरह। क्योंकि यदि आपको बीएड करेंगे, आप पहले ग्रेजुएशन करेंगे फिर ग्रेजुएशन के बाद में बीएड करेंगे, तो आपका एक तो 1 साल ज्यादा लगेगा, क्योंकि 3 साल की ग्रेजुएशन हो गई और 2 साल का आपका बीएड हो गया, कितना साल लगा आपको, 5 साल। और यहां पर कितना टाइम लगेगा, यहां पर जब आप इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे बीए प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, तो यहां पर आपको लगेंगे 4 साल, यानी कि 3 साल बाद आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और 1 साल बाद फिर आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी। जब बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड आप करते हैं तो बीएड के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके फर्स्ट ईयर से ही आपको पढ़ाने स्टार्ट करा दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो टीचिंग के स्किल्स हैं, किस तरीके से आपको पढ़ाना है, बीएड में क्या होता है, तो आप 4 साल ये सब सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आप जब बीएड करके निकलते हैं तो आपको एक अलग ही नॉलेज होती है, यानी कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है जब गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका टेट का, यूपी टेट का, स्टेट के जितने भी एग्जाम है, रीट है, तो वहां पर आपको फिर आसानी हो जाती है कि आपको जब एग्जाम को क्रैक करने में, जब वो एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में, एज अ गवर्नमेंट जॉब के लिए, कि आप जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उनमें आप फिर सेलेक्ट होने के चांसेस आपको बन जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड आप कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट है भाई आपका, यदि आपका एम है कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, किसमें जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे आईएएस पीसीएस अधिकारी बनना है, इस तरीके से मुझे ये बनना है, या मुझे एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना है, या कोई भी आपका एक बड़ा एम है, तो उसके लिए आपको क्या होना है, ग्रेजुएट होना है, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। तो उसके लिए फिर आप अपना मन बना लीजिए, अपने आप को स्ट्रांग कीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये करना है। तो फिर आप क्या करिए भैया, नॉर्मल आप अपना ग्रेजुएशन कर लीजिए, यदि आप आर्ट साइड से हैं तो आप बीए कर लीजिए, यदि आप कॉमर्स से तो आप बीकॉम कर लीजिए, यदि आप साइंस साइड से हैं तो बीएससी कर लीजिए, यदि आप साइंस साइड से हैं तो भी आप बीए कर सकते हैं। यदि आपको फिर आपका एम ये है कि भाई मुझे आईएएस पीसीएस अधिकारी बनना है, उनके लिए मुझे क्या करना है, उनके लिए एग्जाम देना है, तो फिर आप अपना ग्रेजुएशन आप इनसे कीजिए और साथ के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। पहले दिन से, डे वन से आप अपनी तैयारी करेंगे तो जिस भी एम को आप सोच लेंगे वो आपका एम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको ये जो कोर्सेज बताए हैं, यानी कि इनको करने के बाद में फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी फॉर्म आते हैं सब ग्रेजुएशन लेवल
के फॉर्म आप फिल कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, फिर या आपका आईएएस पीसीएस के लिए जो एग्जाम निकलते हैं वो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है आपका सर्टिफिकेशन कोर्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स हैं जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, अब वो सब बन गए हैं डिग्री कोर्स, चाहे वो आपका एनिमेशन हो, फैशन डिजाइनिंग हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आप करियर बनाना चाहते हैं, कोई भी करियर छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, वहां पर आप कहां पर स्टैंड करते हैं। तो वहां पर आप टॉप पे यदि हैं, किसी भी फील्ड में आप टॉप पर हैं, तो आप वहां पर पैसा भी है, नेम भी है और फेम भी है, तो तीनों चीजें वहां पर हैं। तो फिर आप अपना सर्टिफिकेशन कोर्स या डिग्री कोर्स कर सकते हैं उसी फील्ड में। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आपका इंटीरियर डिजाइनिंग हो, फैशन डिजाइनिंग हो, या आपका एविएशन का कोर्स हो, बहुत सारे कोर्सेज आज की डेट में चल रहे हैं जिनको सभी कोर्सेज को लगभग क्या बना दिया गया है, डिग्री कोर्स बना दिया गया है, या फिर बीबॉक में आप उनको कर सकते हैं। तो साथियों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप मेरी इस वीडियो से कितना संतुष्ट हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप किसी और कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर यस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।